यह डेवलपमेंट का ऐसा पहलू है जिस पर आज की तारीख में बात जरूर होनी चाहिए, वरना आने वाले समय में हालात भयावह होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ हापुड़ रोड पर मेरठ में, और ये पीछे आप देख रहे हैं कूड़े के पहाड़। यहाँ पूरे शहर का कूड़ा नगर निगम यहाँ ऑथराइज्ड कॉलोनी लोहिया नगर में डाल रहा है, और शहर में दशकों की कवायद के बाद भी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया जा सका है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का की योजना मास्टर प्लान में रखी गई थी, लेकिन ये बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ, और पूरे शहर के कूड़े को लाकर के यहाँ डंप किया जा रहा है। लंबे समय तक नगर निगम की गाड़ियाँ काली नदी के बेसिन में इस कूड़े को डालती रही हैं, और ये काली नदी के करीब का ही हिस्सा है। रेजिडेंशियल कॉलोनी यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर है। शकरपुर, हाजीपुर, अलीपुर गांव यहाँ पर हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, आबादी वाला इलाका है, और पास से हाईवे निकलता है। एक वक्त में हापुड़ रोड बदनाम थी कमेलों की, मीट प्लांट्स की बदबू की वजह से। उस बदबू से निजात मिली, कमेले बंद हुए, मीट प्लांट्स बंद हुए, उस बदबू से निजात मिली, तो ये दूसरा नरक यहाँ पैदा हो गया है। ये इस पूरी रोड के डेवलपमेंट पर एक ग्रहण की तरह है, उसको रोके हुए है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि पूरे शहर में मेरठ एक हैवी पोटेंशियल वाला सिटी है, बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा सेंटर मेरठ है, लेकिन मेरठ जैसे शहर में भी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लान नहीं बन पाया है, कोई प्लांट यहाँ चालू नहीं हो पाया है। कागजों में और हवा में बहुत सारे प्लान दौड़ते रहे हैं, चलते रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत ये है कि यहाँ बड़ी आबादी बदबू वाले इलाके में रहने के लिए अभिशप्त है। बड़ी संख्या में यहाँ झुग्गियाँ हैं, इन झुग्गियों में लोग रहते हैं जो इस कचरे से कूड़ा बीन करके ज़िंदगी चलाते हैं किसी तरह से। ये भी एक स्याह पहलू है, इस पर बात होनी चाहिए। जब पूरे देश में डेवलपमेंट की स्कीम्स पर बात होनी है, हो रही हैं, तब इकोसिस्टम पर, इन्वायरमेंट पर भी बात होनी चाहिए। पूरा NCR आज पोल्यूशन से करहा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और गाजियाबाद लगातार देश के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर एक बना हुआ है। मेरठ लगातार पहले नंबर पर आ जाता है, कभी कभी बागपत पहले नंबर पर आ जाता है। ये NCR की पूरी बेल्ट पोल्यूशन की मार झेल रही है, हवा में जहर घुल रहा है, सांस लेना मुश्किल है, और हमारी अथॉरिटीज इस तरह के हालात यहाँ पैदा किए हुए हैं। मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ कि किस तरह लोग यहाँ रह रहे हैं, किस तरह कूड़े के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। बहुत ही ख़राब स्थिति है। पूरे शहर से कूड़ा इकट्ठा करके जो गाड़ियाँ लाती हैं डोर टू डोर, वो सब यहाँ पर डंप किया जा रहा है। ज़मीन पर जगह ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए आसमान की तरफ इसको बढ़ाया जा रहा है। हैवी JCB लगाई गई है यहाँ, जो इसको ऊपर चढ़ाती हैं इस कूड़े को हर दिन, और यहाँ एक पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर बनते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम ने 4-5 JCB यहाँ लगाई हैं, लगातार गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, नगर निगम का स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन मुकम्मल इंतज़ाम करने की कोशिश सारी अथॉरिटीज़ मिलकर के नहीं कर पा रही हैं। कहीं कुछ इशू होता है, कहीं कुछ इशू होता है, बहुत भयावह तस्वीर है ये। अगर समय रहते हुए इसका कोई समाधान नहीं तलाशा गया, समय रहते अगर यहाँ पर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने, तो हालात भयावह होंगे। इस इलाके में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंसेस की वजह से लोगों की जानें जाएंगी। आज भी कैंसर जैसी तमाम बीमारियां हमारे समाज में मौजूद हैं, तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो जहरीले पानी की वजह से फैल रही हैं। पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, हवा साफ नहीं रह गई है। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और ये डेवलपमेंट इंसान की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हो, सिर्फ रफ्तार के लिए नहीं हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अलग पहलू है हमारे समाज की तरक्की का, इस पर भी बात होनी चाहिए। यहाँ बहुत ख़तरा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त बहुत धूल है, यहाँ बहुत बदबू है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है,
मेरे लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है मास्क लगाने के बाद भी। बहुत ही विकट, बहुत ही भयावह हालात हैं यहाँ, और इस खतरे को उठाते हुए हर दिन नगर निगम के कर्मचारी इस पहाड़ को ऊंचा करते जा रहे हैं। दो वक्त की रोटी की लड़ाई में अधिकतर कर्मचारी संविदा पर हैं। हमने यहाँ कुछ कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी जाने का खतरा है, उनमें से बहुतों के पास मास्क तक नहीं है और ऐसी यूनिफॉर्म नहीं है जिससे वो इस नरक की स्थिति से किसी भी तरह से सेफ फील कर सकें। तो जो लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, जो शख्स यहाँ 12 घंटे जेसीबी चलाता है उसकी ज़िंदगी हर वक्त खतरे में है, उन ड्राइवरों की ज़िंदगी खतरे में है जो डोर टू डोर पॉश कॉलोनी से इस पूरे कचरे को ला करके यहाँ डालते हैं। पॉलीथीन एक बड़ा इशू बना हुआ है, पॉलीथीन नष्ट नहीं होती है, पॉलीथीन को लेकर के बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। बंदी की बात होती है, पाबंदी की बात होती है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा हिस्सा कचरे में पॉलीथीन्स का है यहाँ पर। तो हालात वाकई बहुत विकट हैं, पूरे समाज को इस पर सोचना होगा, सिस्टम को इस पर सोचना होगा। नमस्कार, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम आपको और बहुत सारे ऐसे सच दिखाएंगे जिन पर बात होना ज़रूरी है, डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे।